वेलकम टू सीनियर टॉपर्स। सबसे पहले आपके सर पे चोट लगी क्या, यानी कैसे चोट लगी वो जानना चाहूंगा। अभी तो बहुत एक मैं बोल सकती हूँ कमाल का माहौल चल रहा है विद्या और माधव के बीच, और उसमें अभीरा और अरमान भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि माधव जो है घर छोड़ के चले गए थे, विद्या उनको लेकर आई, लेकिन वो आउट हाउस में रह रहे हैं, और विद्या जो है वो बहुत कंसर्न्ड है, उसने प्रण लिया कि जब तक माधव उसके उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे तब तक वो सिंदूर नहीं लगाएगी। और यहाँ पर वो आउट हाउस में रहते हैं तो विद्या पराठा बनाती है, वो देखती है कि उनका खाना जल गया अभीरा और उनका, और वो पराठे बना के उनके लिए लेके जाती है, लेकिन दहलीज नहीं क्रॉस करती। और अभी अभीरा और अरमान है वो इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ उसे पता चलता है विद्या को कि उसके माधव के कोलीग्स बनाते हैं कि उनको एक किसी मिशन में जाना है और वो बड़े खतरे वाला मिशन है, तो कल जाना है। तो विद्या यहाँ बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो जाएं, मुझे उन्हें रोकना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर घर में क्या है कि वो फ़ोन कर रही है उनको, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और घर के सारे बाकी जो परिवार के लोग हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं, और घर पर काम चल रहा है, शैंडलियर में कुछ वायर वोर का कुछ है वो ठीक हो रहा है, फिर एक जगह ड्रिलिंग हो रही है, और अभीरा जो है वो बाहर डोम में अपना कुछ सोच रही है, और यहाँ पर विद्या फोन पे फोन लगाई जा रही है, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, एक वैसे ही आवाज़ है, अदरवाइज भी उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, बिकॉज उसकी सुध-बुध खो चुकी है, वो उसका पूरा वो है कि मुझे कैसे न कैसे करके माधव को रोकना है। और वहाँ अभीरा देखती है कि वो शैंडलियर जो है वो विद्या के ऊपर गिरने वाला है, और वो वहाँ से वो भागती है, और विद्या देखती है कि ये भाग क्यों नहीं, कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा, ड्रिल मशीन चल रही है, वहाँ जाने से उसे धक्का देती है, वो गिरते हैं वहाँ पे, पूरी मशीन वो जो चैनल है वो पूरा नीचे गिरता है, झूमर नीचे गिरता है, और विद्या उसके बाद समझ नहीं आता कि क्या हुआ, वो उठने की कोशिश करती है, अभीरा बोलती है मत उठिए सर, चारों तरफ कांच, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो फिर भी उठती है और वो कांच में उसका पैर लगता है, गिरती है, उसका सर जो है वो गमले में लगता है, नीचे गिरती है, हाथ पे थोड़ा कांच चुभ जाता है, तो उस वजह से ये चोट है। और ये जो सब कुछ हुआ है उसकी वजह से माधव भी आ जाएंगे उसको मिलने। भी कुछ खास थी, अरे बड़ी मजेदार है, बहुत मजेदार है, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से, अरे हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोल रखा है कि मैं यहाँ पोतर खानदान का जो चौखट है उसे क्रॉस नहीं करूंगा, इसलिए वो आउट हाउस में रह रहे हैं। तो अब वो जब उन्हें पता चलता है कि विद्या को चोट लग गई है, तो वो भागते हुए आते हैं और सडनली रुक जाते हैं दहलीज के पास, भाई मैंने तो बोला है कि मैं नहीं क्रॉस करूंगा, तो अभी क्या करें क्या करें, और वहाँ देखते हैं कि माधव संजय और मासा जो है वो बात कर रहे हैं, तो ही डज वांट टू कम, तो अभीरा बोलती है एक तरीका है, तो पीछे खिड़की को तो जाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी से चढ़ के एकदम चढ़ के फुल ऑन मजनू टाइप्स पूरा आके खिड़की उधर खुद ही मारते हैं, तो ये एंट्री रूम में कमजन, मैं तो फिर भी सो रही हूँ उसमें, दवाई ववाई खा के लेटी रही हूँ, और यहाँ मैं अभीरा को बोलती हूँ कि अब मैं बोलती हूँ कि पहले अरमान को बोलती हूँ कि तुम जाके उन्हें रोको, ऐसा ऐसा है और खतरनाक हो, उनको जान को खतरा भी हो सकता है, तुम्हें रोकना होगा, तो बोलता हूँ ऐसा माँ वो मेरी नहीं सुनते, वो किसी की नहीं सुनते, तो वो नहीं सुनेंगे, मैं जानता हूँ, उनके लिए उनकी ड्यूटी सबसे ज़रूरी है, तो मैं बोलती हूँ नहीं, उनके लिए उनकी बेटी सबसे ज़रूरी है अभी, और वो है अभीरा, और अभीरा तुम जाके बोलते मैं अभीरा सुनती हूँ, वो ऐसे देखती है, तो आके माँ वो अपना बोलते ये नहीं कर पाएगी, तो बोलते नहीं तुम मुझे वचन दो, तुम वादा करो मुझसे, मुझे हाथ ले लेते, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें रोकोगे बचाने, वो बेचारी जी जट के लेकिन हम कोशिश करते, तो वहाँ पर विद्या की थोड़ी सांस पे सांस आती है, चैन मिलता है उसको, और दैट्स व्हाट द होल सीक्वेंस इज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।